हाँ तो मित्रों, अपना आज का मुद्दा है कि ये मंडे अक्टूबर 18 के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। मित्रों, ये जो पूरी टेक्स्ट है इधर ब्लैक साइड वाली, मैंने आपको बताया था कि मेरे पास कुछ दिनों का माल जमा हो जाएगा तो मैं एक्सेल फाइल में डाल लूँगा, तो वो मैंने कर दिया है। आप जा सकते हैं मेरी वेबसाइट moonal.org/current में और वहाँ पर आपको एक्सेल फाइल मिल जाएगी। देखिए, ये आप गए वेबसाइट पे moonal.org/current और वहाँ पर ये सेक्शन है डेली करंट अफेयर्स, उसमें आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए तो आपको ये एक एक्सेल फाइल यहाँ पर दिखेगी। ये ऐसे, तो ये जो एक्सेल फाइल है इसे डाउनलोड कैसे करते हैं, इसके लिए आप ये जो बटन है इसे आप क्लिक करिए, ये जो पेपर और नीचे ऐसे डाउन एरो वाला बटन है, इफ़ यू क्लिक दिस इट विल गिव यू डाउनलोड ऑप्शन। और जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो फिर ये डेस्कटॉप पे कुछ ऐसे दिखेगी। इसमें खास बात क्या है, ये जो ऊपर वाला सेक्शन होता है डेट सब्जेक्ट सब टॉपिक, हाँ तो डेट और ये सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में आप क्लिक करें फिल्टर, और फिर फिल्टर में आपको ऑप्शन मिलेंगे कि कैसे आप अलग अलग चीज़ों को सॉर्ट करके सिर्फ एथिक्स देखना है और दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं। अब वैसे आप पाएंगे अच्छा अक्टूबर का डाला है, कुछ सितंबर में नॉट डन या बैकलॉग है, तो उस वक्त मुझे काम का लोड ज़्यादा था। अब क्या इसका मतलब ये है कि सितंबर के 30 दिन के पेपर पढ़ के मैं उसका बनाऊंगा जवाब, है नहीं, ऐसा इम्प्रैक्टिकल आइडिया मैं भी नहीं लगा था और आपने भी नहीं लगाना चाहिए। जो चला गया वो चला गया, अब उसका सोल्यूशन क्या है। ये जो दूसरे सब मंथली करंट अफेयर्स PDF वाले जो भी माल बनाते हैं उसको ज़रा ऊपर ऊपर से देख के यू कैन डिसाइड कि अच्छा ये वाला मुझे इंपॉर्टेंट लगता है न्यूज़ या नहीं इंपॉर्टेंट लगता है, लाइक दैट यू डू दिट। जो छूट गया ऐसे इम्प्रैक्टिकल आइडिया मत बनाओ कि मैं उसके 10 दिन के न्यूज़पेपर देख लूँगा, राइट। खैर वापस आते हैं, हाँ तो मुद्दा ये था कि 18 अक्टूबर में क्या जानने लायक है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो आवाज़ से भी 5-6 गुना ज़्यादा गति से जाते हैं, इसमें ज़्यादातर स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, भारत भी डेवलप कर रहा है, जिसका नाम है HSTDV हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। चीन भी डेवलप कर रहा है लेकिन वो सीक्रेटली डेवलप कर रहा था, और शायद कि वो ऐसा उसके पास सुपर डुपर मिसाइल उसने बना दी है कि वो साउथ पोल दक्षिण ध्रुव से भी गुजर के, मतलब पृथ्वी के नीचे से गुजर के अमेरिका को अटैक करे। तो अमेरिका की अभी जो एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो ऐसा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये जो उत्तर पृथ्वी का जो खंड है वहाँ से जो आए मिसाइल रशिया चाइना, तो उसे इंटरसेप्ट कर पाए डिस्ट्रॉय कर पाए, लेकिन ऐसा मतलब सोचो साउथ पोल से नीचे से जाके उसे मारे तो वो उसे रोक नहीं पाएगा, इसलिए चिंता का विषय वगैरह। खैर अभी ये मुद्दा क्या है, इसमें तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें, हाइपरसोनिक मिसाइल तो हाँ 5-6 गुना स्पीड होती है साउंड के सामने, स्क्रैम जो टेक्नोलॉजी हो सकती है हाइपर, और भारत का ये HSTDV नाम की हम भी ऐसी मिसाइल कुछ बना रहे हैं। तो मुद्दा ये ख़त्म हो गया, ये कोई एक था टाइगर और जेम्स बॉन्ड बन के इसमें होगा अभी कि एक एक दो दो घंटे के वीडियो बनेंगे इसी पर, तो आपने इसे याद रखना है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसमें 100 out of 100 MCQ इसी में से निकलेंगे, या तो बेसिक चीज़ पूछेंगे या वो इतना एडवांस लेवल का स्क्रैमजेट का कुछ पूछ लेंगे कि हम सॉल्व ही नहीं कर पाए। तो यूजुअली इट इज़ आइदर हिट और मिस केस सिनेरियो UPSC में जो आजकल साइंस टेक के प्रश्न बनते हैं। तो हमने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ा तैयार करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़े तो page 2, 3, 4, 5, 6 कुछ आज है नहीं समाचार, page 6 पे सीधा हम पहुँचे तो एथिक्स के लिए केस स्टडी बनाते हैं। हुआ ये कि सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में कुछ फैकल्टी मेंबर्स अध्यापकों की रिक्रूटमेंट होने वाली थी, लेकिन फिर उसमें कुछ ऐसे व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट आए हैं सोशल मीडिया में जहां पर ये पता चले कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है कि जहां पर ये कुछ उम्मीदवारों की चैटिंग चल रही है जिन्होंने रिश्वत दी है कि हमारा सिलेक्शन हो ही जाए ये प्रोफेसर अध्यापक के रूप में, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने मतलब उस ग्रुप में डाला है कि हाँ मेरा सत्ता पक्ष के साथ मेरी सिफारिश है, मेरे चाचा मामा हैं उधर विधायक तो मेरा भी रिक्रूटमेंट पक्का है, तो सोशल मीडिया में बवाल चल रहा है। हालांकि जो इसमें आरोपी है वो ये बोल रहे नहीं ये तो सब फर्जी स्क्रीनशॉट है, ऐसा हमने तो कुछ नहीं बोला और ऐसा कोई ग्रुप नहीं बनाया, और उसके सामने ये भी देखना है कि अध्यापकों की किल्लत है, कम प्रोफेसर हैं वहाँ पर तो पढ़ाई की प्रक्रिया भी ठीक से नहीं हो पाएगी। सो कंसिडरिंग ऑल दिस थिंग अकेडेमिक वर्क इज़ ऑल्सो नॉट गोइंग ऑन फुल पेस बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टीचर्स, सो एज वाइस चांसलर हाउ विल यू हैंडल दिस क्राइसिस, उप कुलपति के रूप में आप इस समस्या को कैसे संबोधित करेंगे। अगर आप कहें अच्छा रिक्रूटमेंट मैं कैंसिल करता हूँ तो
तो फिर वापस जो होगी उसमें आप क्या ध्यान रखेंगे कि वो उसमें ऐसी धांधली नहीं हो, और ये जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट कैसे कंप्लीट करें ताकि एकेडमिक सेशन शुरू हो सके वगैरह वगैरह। आगे बढ़े फिर पेज 7 में, कुछ नहीं, पेज 8 में टैक्स अवॉइडेंस, कर परिहार। यानी ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं वो भारत में पैसा कमाएंगी, लेकिन वो सब इधर उधर पैसा शिफ्ट कर देगी कि हमारा कोई प्रॉफिट नहीं है, और मॉरिशियस में या सिंगापुर में हेडक्वार्टर बनाए और बोले कि वहाँ हम टैक्स भरते हैं, लेकिन वो सब देश ऐसे हैं जहाँ पर बहुत कम टैक्स मांगा जाता हो। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए, एक तो चीज़ थी ग्लोबल मिनिमम टैक्स 15%, वो मुद्दा क्या था हमने वो विन 21 सीरीज़ में पढ़ा था। अब उसी में कुछ और मुद्दे नए डेवलप हुए हैं कि OECD ग्रुप, मेरे ख्याल से पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, इन्होंने कहा है कि दो पिलर सॉल्यूशन फॉर टैक्स चैलेंजेस फ्रॉम डिजिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। अर्थतंत्र का डिजिटलकरण हो रहा है, ये नेटफ्लिक्स गूगल फेसबुक टाइप के जो कंपनियां जो टैक्स का पैसा नहीं दे रही हैं उससे लड़ने के लिए दो पिलर का सिद्धांत। इसमें पहला पिलर ये है, 100 सबसे बड़ी कंपनियां पूरी दुनिया में, तो उन्होंने क्या करना होगा, अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा उन देशों को देना होगा जहां पर वे अपनी वस्तु और सेवाएं बेचते हैं, इरिस्पेक्टिव कि मेरा इधर हेडक्वार्टर है और मेरा ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी है। उन्होंने जो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं तो जिस देश से कमा रहे हैं उसमें को कुछ हिस्सा देना होगा, मतलब टैक्स में देना होगा। और दूसरा पिलर है, ऐसा कोई भी कंपनी जिसकी 750 मिलियन से ज़्यादा एनुअल रेवेन्यू है यूरो में, तो उन्होंने मिनिमम 15% टैक्स भरना होगा। ऐसी कंपनी जिनकी वार्षिक आय 750 मिलियन यूरो से ज़्यादा है तो उन्होंने 15% न्यूनतम कर देना होगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, पहला फ़ायदा कि भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ को ज़्यादा टैक्स में रकम मिले, और दूसरा ये मॉरिशियस सेशेल टाइप के जो टैक्स हेवन हैं जहाँ पर हार्डली 1% 2% कॉरपोरेशन टैक्स मांगा जाता है, लेकिन अब हर जगह जब ये सख्ती से लगाएंगे 15% टैक्स तो ऑटोमेटिकली वो टैक्स हेवन यानी जो कर स्वर्ग थे वो तबाह हो जाएंगे और सब जगह ठीक ठीक टैक्स में पैसा मिलता रहे। आगे बढ़े पेज नाइन पर कुछ कॉलम है, एक कॉलम ऐसा कि गांधी जी और वीर सावरकर में क्या समानता थी, और दूसरा कुछ उसके अगेंस्ट में, नहीं वीर सावरकर का योगदान के बारे में किसी और कॉलम इसको कुछ उसमें वो काउंटर आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, तो वो सब आप सेल्फ स्टडी में आराम से पढ़िए। पेज 13 इंटरनेशनल रिलेशन और स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है, वो कुछ दिन पहले कुछ आया था कि एक स्पेस मूवी बन रही है चैलेंज जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में होगी, और वहाँ पर ये रशिया की कुछ फिल्म एक्ट्रेस और फिल्म डायरेक्टर वगैरह लोग गए हैं, अब वो वापस आए तो फिर वापस न्यूज़ किया, वो अब आराम सलामती से ज़मीन पर उतर गए हैं। तो ये तो एक लाइन का मुद्दा है, और वो भी मुझे तो इतना ज़ोरदार काम का नहीं लगता क्योंकि इसमें नो इंडियन इज़ इन्वॉल्व, और ये तो मतलब मूवी बन रही कोई बड़ी। कल परसों जो हमने पढ़ा था कि नासा ने एक नया भेजा स्पेस क्राफ्ट फॉर स्टडिंग एस्ट्रॉइड्स, तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये सब, तो फिर भी आप पाएंगे कि मतलब यूट्यूब और करंट अफेयर्स वाले की यही मेन चीज़ है, और 100 में से 100 प्रश्न इसी में से निकलने वाले कि ये एक्ट्रेस का नाम कौन है भाई, प्लीज़ गो थ्रू प्रीवियस ईयर्स पेपर्स और ये सब ड्रामा से आप बचिए। जो UPSC की तैयारी करते हैं वो तो धीरे धीरे एक दो अटैम्प्ट में फेल होने के बाद उनको ये बुद्धि और ब्रह्म ज्ञान आ ही जाता है, लेकिन ये जो नॉन IAS एग्ज़ाम में नई नई तैयारी कर रहे हैं उन सब लोगों ने संभलने की ज़रूरत है, अपनी जवानी और अटैम्प्ट ऐसे बर्बाद मत करो। फिर मुद्दा चल रहा है स्पेन और उसमें ये कनेरी आइलैंड्स, वैसे स्पेन तो इधर है, ये कनेरी आइलैंड मैप में इधर दिखा रहा है, खैर उसका एक आयल ऑफ ला पाल्मा वहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट चल रहा है। आगे चलें पेज 14 इकोनॉमी से कुछ जड़े समाचार, IMF और उसका स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी SDR, वो पूरा मुद्दा क्या है हम आगे विन 20 सीरीज और वगैरह में पढ़ चुके हैं। कुल मिलाकर बात यह है IMF अलग अलग देशों को SDR कोटा देगा, उनकी इकोनॉमी कितनी बड़ी है, वो IMF में कितना पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वगैरह। अब मान लीजिए ऐसी कोई कंट्री ये है और फिर अचानक से उसे फॉरेन करेंसी की कोई क्राइसिस आ जाए, तो उसके पास जो SDR है वो या तो वो IMF में उस हिसाब से लोन ले लें, या वही SDR किसी और देश मान लीजिए कंट्री बी को वो देगा, और सामने कंट्री बी उसे येन यूरो पाउंड डॉलर जो भी करेंसी चाहिए वो दे देगा। वो SDR और इन सब का एक्सचेंज रेट कैसे चलता है वो पूरी थियरी हम आगे पढ़ चुके थे। तो फिर कंट्री ए के पास वो पैसा आ गया और उसकी मदद से वो वैक्सीन खरीदेंगे,
या उनको मतलब जो भी दूसरे काम है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को एड्रेस करना है, इंपोर्ट करना है, पेट्रोलियम क्राइसिस, वट एवर, ये तो चल ही रहा था। अब इसमें क्या है, IMF की ये SDR कोटा सिस्टम में सुधार की कुछ मांग हो रही है। कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ पर कोटा कैसे असाइन होता है कि जिस देश का GDP ज़्यादा हो उसको ज़्यादा कोटा मिले। तो अब तो चीन भी बहुत बड़ी इकोनॉमी बन रहा है, तो कुछ क्रिटिक्स ये कर रहे हैं कि चीन का कोटा भी अमेरिका के बराबर हो। ब्रिक्स देश में ये जो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनका भी कोटा बढ़ाया जाए, उनकी भी GDP बढ़ रही है। और तीसरी बात, एक ज़माने में जब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आई थी, वो मुद्दा क्या था, उसके बाद LPG रिफॉर्म कैसे लिए, वो सब आपको मिल जाएगा क्लास 11 की NCERT, इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या जो भी उसका नाम है वो पढ़ो आराम से। हाँ, तो उस ज़माने में 1991 में भारत को जाना पड़ता था IMF में कि हमको कर्ज में पैसा दो, हमारे को ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के लिए नहीं है पैसा। बट नाउ इंडिया हैज़ ग्रोन अप, अब हमें अगर ऐसी कोई डॉलर या फॉरेन करेंसी की क्राइसिस हो तो हम तो वी आर केपेबल ऑफ अरेंजिंग द फॉरेन करेंसी, मार्केट में से, बाजार में से पैसा बोरो कर सकते हैं। जापान और दूसरे मित्र राष्ट्रों के साथ हमने करेंसी स्वैप अग्रीमेंट किए हैं कि हम उनसे पैसा ले लेंगे, उनके फॉरेक्स रिजर्व में से डॉलर ले लेंगे, तो भारत को उतनी वैसे ज़रूरत नहीं है। तो कुछ क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि IMF ने अब अपना ध्यान ये सब कोटा ऐसे चेंज करना चाहिए कि ये ब्रिक्स देश, वो बराबर है शायद कोटा उनका बड़ेपन जो लोन के रूप में पैसा दिया जाए वो कुछ ऐसा ट्विक किया जाए कि लोअर इनकम कंट्रीज जैसे रवांडा, सूडान वगैरह, जिनकी अपनी कैपेसिटी नहीं है मार्केट से पैसा उठाने की फॉरेन करेंसी में, उनको मदद मिले। सो दैट इज़ IMF रिफॉर्म्स। इसमें अभी और डेवलपमेंट होंगे तो वो हम पढ़ेंगे Win22 सीरीज़ फ्री में, मैं जो अगले साल आफ्टर द बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे लॉन्च करूँगा। इसके बाद का मुद्दा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसकी चुनौतियाँ। फेसबुक में आप जानते हैं सब इनअप्रोप्रिएट कंटेंट, ऑफेंसिव कंटेंट, रेसिस्ट कमेंट, ये तो रोज़ डालते ही हैं वो यूज़र्स। तो इसको फ्लैग करने के लिए, रिमूव करने के लिए वैसे तो बहुत सारे ह्यूमन वर्कर्स को रखना चाहिए नौकरी पे, लेकिन फिर सैलरी का खर्चा बढ़ जाए तो फेसबुक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है टू रिड्यूस द वर्कर सैलरी बर्डन। लेकिन पता चला ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में खामियाँ हैं। पहला तो ये फॉरेन लैंग्वेजेस में इसको ट्रेनिंग बराबर नहीं मिली है, तो पाया गया आसामीज़ लैंग्वेज में जितनी भी इलेक्शन आने वाला था, तो जितनी भी सब ऑफेंसिव पोस्ट और हिंदू मुस्लिम और वो सब चलाया गया, उसको हटाने के लिए ना तो फेसबुक की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केपेबल है और ना उनके पास ऐसे ह्यूमन वर्कर्स थे जिनको आसामीज़ लैंग्वेज और उसमें क्या कंटेक्स्ट है, ये वाला शब्द बोले तो इसमें ऐसा कोई कम्युनिटी की भावना आहत होती है, वो सब कोई था ही नहीं उनके पास वर्कर। और दूसरी लिमिटेशन, ये जो फेसबुक की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो वो हर बार मतलब कोई गोलीबारी का वीडियो, रेसिस्ट कमेंट, कुछ बार ये चलता है कि मुर्गों की लड़ाई और गाड़ी का एक्सीडेंट, दोनों के वीडियो चलाओ तो उसमें कौन सा कार वीडियो है और कौन सा मुर्गे का वीडियो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं पता कर पाता था। सो दीज आर लिमिटेशन एंड एज अ रिजल्ट फेसबुक में जितनी भी ऑफेंसिव कमेंट है तो उसमें से हार्डली 1% 2% जितना ही वो डिलीट कर पाते हैं। हाँ, तो ये सब फेसबुक सोशल मीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सोचने लिखने के मुद्दे। दूसरा डेवलपमेंट, इंडियन स्पेस एसोसिएशन जो 2021 अक्टूबर में लॉन्च हुआ। आप जानते हैं वो नासकॉम, एसोचैम, ये सब क्या है, सब इंडस्ट्रियल लॉबिंग ग्रुप हैं जिससे वो अपनी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बारे में, अपने उद्योगों के बारे में सरकार के सामने बात रखे, आपस में कोऑर्डिनेट करें वगैरह। तो उसी तरह ये इंडियन स्पेस एसोसिएशन ये भी कुछ ऐसा करने का सोचता है जहाँ पर इसरो और प्राइवेट सेक्टर की कुछ कंपनियां जिनको दिलचस्पी है कि हमें भी ऐसा सब इंटरनेट और स्पेस का काम करना है, जैसे एयरटेल, टाटा ग्रुप, मैप माई इंडिया वगैरह, तो वो सब सोच रहे हैं कि हम भी इसमें जुड़ जाएं एंड देन दे विल बी एबल टू पुट फॉरवर्ड देयर डिमांड्स, कोऑर्डिनेट इंटरनली वगैरह। और उसी के साथ जुड़ा एक और मुद्दा, दुर्गम प्रदेश में इंटरनेट सस्ते में मिले उसके लिए क्या क्या चल रहा है। SpaceX का स्टारलिंक प्रोजेक्ट, एयरटेल का वन वेब प्रोजेक्ट, अमेजोन का प्रोजेक्ट कूपर टू प्रोवाइड एक्सेसिबिलिटी टू इंटरनेट इन रिमोट एरियाज। तो ये कुछ मुद्दे थे, अब इसके अलावा और भी मारपीट के बनाओ तो और 25 चीज़ निकाल सकते हैं, बट दीज आर सम ऑफ द थिंग्स आई फाउंड यूजफुल इन टूडेज न्यूज़पेपर। सी यू नेक्स्ट टाइम।